चीज पूल आप देख सकते हैं। ते हैं जो फायर क्रैकर पिज्जा है उस पे रोस्टेड गार्लिक फ्लेक्स भी डाले गए हैं टेस्ट एनहांस करने के लिए, और दोनों पिज्जास काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी टेम्पटिंग लग रहे हैं पिज्जास। सॉस काफी थिक है, फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो आज हम कहाँ हैं? आज हम आए हैं पिज्जेजी पे कालका जी साउथ दिल्ली में। फैट पंजाबी का आपने पहले रिव्यू देखा होगा मेरे चैनल पे, उन्हीं का ये एक और आउटलेट है इटालियन फूड के लिए। पिज्जेजी साउथ दिल्ली कालका जी में है, एंड आज इटालियन खाने का मन था तो आई मेड अ प्लान टू गो टू पिज्जेजी एंड टू ट्राई देयर फूड। एंड आप लोकेशन देख सकते हैं KFC के बिल्कुल सामने गली, जिसमें आपको मिलेंगे पिज्जेजी एंड ऑल्सो फैट पंजाबी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं पिज्जेजी के अंदर। पिज्जा पे डलेगी इसकी मेन टॉपिंग जो कि है पेरी पेरी चिकन, जिसकी वजह से पिज्जा का टेस्ट डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं टॉपिंग में कोई कंजूसी नहीं, टॉपिंग्स पूरी तरह से भरा जा रहा है पिज्जा को टॉपिंग से। ये बन रहा है हमारा फायर क्रैकर पिज्जा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये 250 का पिज्जा है प्लस टैक्सीज, आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है और टॉपिंग्स कितनी ज़्यादा लगाई जा रही है। मेरे को नहीं लगता कि 250 में आपको कोई भी प्लेस जैसे कि डोमिनोज एंड पिज्जा इतनी टॉपिंग प्रोवाइड करेंगे इतने कम रेट में। एंड अभी ये जाएगा अवन में पकने के लिए। तो सेकंड पिज्जा यंकी स्टेडियम लगने जा रहा है, एंड इनकी स्पेशल टोमेटो सॉस आ गई है पिज्जा पे। हमने किया है 8 इंचेस वाला पिज्जा ऑर्डर, अगर 16 इंचेस वाले पिज्जा ऑर्डर किए होते तो वो इतने बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बॉक्स है, और 16 इंचेस वाला पिज्जा आई थिंक सो 4 जने इनफ है कि 4 जने वो पिज्जा आराम से खा सकते हैं। और ये 8 इंचेस वाला पिज्जा ये 2 जने आराम से बड़े अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फुल ऑफ टॉपिंग्स है और साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है, हाइजीनिक तरीके से बनाया गया है पिज्ज़ा। तो चलो अभी जाएगा हमारा पिज्ज़ा अवन में। पिज्ज़ा चला गया है अवन में, अवन में पिज्ज़ा दूसरा भी पिज्ज़ा अवन में जाने के लिए तैयार है। दूसरा पिज्ज़ा भी अवन में चला गया है। तो अभी लगवाते हैं चिकन विंग्स एंड गार्लिक ब्रेड और फिर करते हैं इनकी टेस्टिंग। तो अब तैयार हो रही है हमारी गार्लिक ब्रेड। और मैम ये गार्लिक बटर स्टोर बोट है या फिर ये खुद बनाया गया है? नहीं, ये बटर तो बाहर से मंगवाए और उसके बाद जितना भी सामान है ना। ओके, बटर बाहर का है, तो गार्लिक बटर कुल मिला के खुद तैयार किया गया है, जो भी बीच में इंग्रेडिएंट्स डले हैं इसमें। ये पार्सले डाला हुआ है या धनिया? नहीं, पार्सले। ओके, पार्सले वाला गार्लिक बटर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट करने वाला है। आप देख सकते हैं बटर पूरी तरह से लगाया जा रहा है पूरे ब्रेड पे। अब लगने वाले हैं हमारे बारबेक्यू चिकन विंग्स, जो कि सुबह से मैरिनेट किए हुए हैं। अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट किए गए हैं चिकन विंग्स, और ये अभी होंगे फ्राई, फिर इनको बारबेक्यू सॉस में टॉस किया जाएगा। जा रहे हैं विंग्स फ्राई होने के लिए। तो हमारे जो विंग्स हैं वो हो गए हैं ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं विंग्स, एंड अभी ये जाएंगे इनकी स्पेशल जो है बारबेक्यू सॉस में टॉस किए जाएंगे। ये सर कौन सी कंपनी की बारबेक्यू सॉस है? अमेरिकन गार्डन की बारबेक्यू सॉस। अमेरिकन गार्डन काफ़ी बढ़िया कंपनी है, इनका जो मेपल सिरप होता है पैनकेक्स के लिए वो भी बहुत सही होता है।
तो अभी जाएंगे बारबेक्यू सॉस में चिकन विंग्स। अभी ये होंगे बारबेक्यू सॉस में टॉस। विंग्स भी हमारे रेडी हैं, आ गए हैं। प्लेटिंग काफ़ी अच्छी है, मुंह में पानी आ रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। सभी कुछ टेबल पे सज गया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द टेस्टिंग। तो चलिए अब करते हैं कि जैसी का फूड टेस्ट की फूड कैसा बना है। पहले लेते हैं गार्लिक ब्रेड, बहुत ही क्रंची है, चीज फूल आप देख सकते हैं। फ्लेवर बहुत बढ़िया गार्लिक ब्रेड का। नॉर्मली क्या होता है कि गार्लिक ब्रेड में गार्लिक पाउडर डाल के फ्लेवर उसका एनहेंस और गार्लिक जैसा किया जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गार्लिक बटर खुद बनाया गया और गार्लिक का यूज किया गया, गार्लिक और पार्सले का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। बाकी रेटिंग आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पे। तो अब टेस्ट करते हैं इनका यंकी स्टेडियम पिज्जा। थोड़ी सी लेंगे हॉट सॉस। हॉट सॉस भी टबैस्को की पेपर सॉस यूज की गई। टबैस्को इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। एंड ऑल्सो आई टेक सम ऑलिव ऑयल। ज्यादा पड़ गया। Now it's time for tasting. जो यंकी स्टेडियम पिज्जा की जो खासियत है, एक तो पिज्जा सॉस जो एक इन्होंने सॉसेज डाला वो भी सुपर अमेजिंग है, और जो पेपरोनी है उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया है, और जो बेल पेपर्स का क्रंच है वो भी एक बहुत बढ़िया और क्रंची फ्लेवर दे रहा है। जो भी मैं पिज्जा को रेटिंग दे रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। टाइम टू टेस्ट द फायर क्रैकर पिज्जा, जो कि इनका बेस्ट पिज्जा माना जाता है। चीज फुल आप देख सकते हैं। पहली खासियत तो इस पिज्जा की ये है, वुड फायर में पकाया गया है एंड जो ऊपर से गार्लिक डाला है ना, गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और पेरी पेरी चिकन का भी बड़ा बढ़िया फ्लेवर आ रहा है एंड पेरी पेरी सॉस का भी। थोड़ा स्पाइसी है, पर स्पाइसी भी पिज्जा बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। टाइम टू टेस्ट द विंग्स। सॉस काफी थिक है, फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्रंची है, मीठा और थोड़ा खट्टा फ्लेवर है, टैंगी फ्लेवर है, बहुत ज्यादा बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। जो इन्होंने मैरिनेट करके रखा था वो भी एक यूनिक सा फ्लेवर दे रहा है, फ्लेवर्स अंदर तक इन्फ्यूज्ड है। ओवरऑल दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। बारबेक्यू विंग्स एक बार आपको जरूर ट्राई करने चाहिए यहाँ के, और जो ऊपर से फ्रेश धनिया डाला हुआ है वो भी बहुत एक बढ़िया फ्लेवर दे रहा है बारबेक्यू विंग्स में। बाकी रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। तो अब करते हैं फूड फिनिश एंड फिर मिलते हैं आपको प्रॉपर रिव्यू। टूट पड़ो। तो अब बात कर लेते हैं हम पिज्जा के मैनेजर जी से। सर प्लीज आइए। हेलो सर,
सर पहले तो अपना शुभ नाम बताइए अपने व्यूअर्स को। सर माय नेम इज नवनीत राणा। नवनीत जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्लेस की लोकेशन और टाइमिंग क्या क्या है? यहाँ हमारे रेस्टोरेंट की टाइमिंग है 12 से 12 बजे, 11:30 तक हमारा लास्ट ऑर्डर होता है और हमारी डिलीवरी जो है मैक्सिमम 5 किलोमीटर के अंदर होती है। 5 किलोमीटर अंदर की डिलीवरी। और जोमेटो भी आपका अवेलेबल है? जोमेटो अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप इनसे खुद डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप इस उस नंबर पे इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विद इन 5 किलोमीटर इनकी खुद की डिलीवरी अवेलेबल है और आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड तो थैंक यू सर, और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ओके वेलकम। तो अ बिग थैंक्स टू द शेफ्स ऑफ पिज़्ज़ेज़ी फॉर मेरे को इतना बढ़िया फूड टेस्ट कराने के लिए। थैंक यू भाइयों आप सबका। एंड तो अभी देते हैं आपको फाइनल रिव्यू। फूड बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड हम अनुज और रूपम के भी रिव्यूज थोड़े से जान लेते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने फूड चेक किया उसमें हमें सबसे पहले तो मेरा जो फेवरेट पार्ट था वो था यांकी स्टेडियम, जो कि पिज्जा का नाम है यांकी स्टेडियम, और साथ ही मेरे को चिकन विंग्स। ओ भाई चिकन विंग्स तो भाई मजेदार था। Being a street lover, chicken wings भी बहुत अच्छे थे। And आप देख सकते हैं कि pizzas के जो नाम है वो काफी unique है यहाँ पे, जैसे कि Yankee Stadium and also Firecracker। हमने Yankee Stadium and Firecracker taste किया, both were the best। And chicken wings and garlic bread were also too good, मतलब कोई चीज में कमी नहीं थी। And also भी सभी जो भी यहाँ पे स्टाफ है दे आर वेरी फ्रेंडली। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई वेरी गुड क्वालिटी ऑफ इटालियन फूड आई रिकमेंड पिज़्ज़ेज़ी। अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हो या कालका जी के नज़दीक रहते हो तो एंड आप इटालियन इन्जॉय करना चाहते हो तो आई रिकमेंड पिज़्ज़ेज़ी। तो अनुज कहना चाहता है कुछ? नज़दीक नहीं भी रहते हो तो प्लीज एक बार विजिट करिए, आपको यकीन दिला दो बहुत ही मजा आएगा यहाँ पे। हाँ, एक बार प्लीज आप पिज़्ज़ेज़ी विजिट कीजिए, साउथ दिल्ली में है कालका जी में। एड्रेस आपको वीडियो में पीछे मिल गया होगा। एंड बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।